नमस्कार, आप देख रहे हैं INI न्यूज। देश और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ मैं हूं प्रीति सिंह। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पंजाब के मानसा में एक और किसान ने कर्ज के चलते की खुदकुशी, मृतक किसान के ऊपर 8 लाख का था कर्ज। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित मध्य बस्तर संभाग में नक्सलियों के बड़े नेटवर्क को महिला नक्सली कर रहे हैं संचालित। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में केंद्र सरकार की योजना मनरेगा में स्थानीय प्रशासन की मनमानी, तालाब निर्माण में REES अधिकारियों के द्वारा गड़बड़ी बदस्तूर है जारी। राजस्थान के बिजौलिया में स्वच्छ भारत के खुली पोल, स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है भारी मुसीबतों का सामना। और मध्य प्रदेश की राजधानी में जैकी श्रॉफ ने अपने फैन को दी गाली, सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे थे फैन। छत्तीसगढ़ में कोरिया जिले के क्राइम ब्रांच पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। कोरिया पुलिस अधीक्षक सुजीत कुमार के मार्गदर्शन में क्राइम ब्रांच पुलिस ने कोरिया जिले के अलग अलग इलाकों में ATS में घुसकर लोगों से ठगी करने वाले आरोपियों को धर दबोचा है। पकड़े गए आरोपी छत्तीसगढ़ के बाहर के रहने वाले हैं। आरोपी कई दिनों से कोरिया जिले में घूम घूम कर भोले भाले लोगों को अपने ठगी के जाल में फंसाकर वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते थे। पुलिस को कई बार इस तरह की शिकायत मिली थी, जहाँ पुलिस ने आरोपियों की पतासाजी के लिए एक टीम गठित भी किया। पुलिस ने छत्तीसगढ़ के बाहर से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पंजाब के मानसा में एक और किसान ने कर्ज के चलते जहर खाकर खुदकुशी कर ली। मृतक किसान के ऊपर 8 लाख रुपए का कर्ज था और कर्ज ना चुकाने के चलते वो अक्सर परेशान रहता था, जिसके चलते उसने जहर खाकर अपनी जान दे दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मनसा के गांव भैनी भागा के 45 वर्षीय किसान गुरनाइप सिंह, जिसके पास 9 एकड़ के करीब जमीन है और उसके ऊपर 8 लाख रुपए का कर्जा चढ़ गया था और वह लगातार बढ़ता जा रहा था। इसी वजह से किसान अक्सर परेशान रहता था। इसी परेशानी के चलते उसने जहर खाकर अपनी जान दे दी। किसान नेता राम सिंह ने बताया कि किसान लगातार खुदकुशी कर रहा है, क्योंकि इस महीने में बैंक और कमीशन एजेंट अपना कर्ज वापस मांगते हैं, जिसकी परेशानी से किसान खुदकुशी के रास्ते चल रहे हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि किसानों को कार्य से फौरन राहत दी जाए, ताकि किसान इस रास्ते पर ना चले। यह अपना गमंडी सी गई ते इधर कोड़े से साथ के एकड़ वाहन गई बढ़िया, पर बैंकों ने लेन देन करके कर्जा करके उन्हें अपनी आत्महत्या की थी। तो थोड़ा जहा घरों तंगी सी, 2 बच्चे जी, एक 18 साल का एक 16 साल का, दोनों पढ़ते जी बच्चे। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਾਇਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜੀ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਸ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕੋ ਮਾਨਾ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ। ਤਾਜੇ ਮਾਮਲੇ ਮੇ ਗੁਰਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਮੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨ ਕੇ ਪੜੋਸੀ ਨੇ ਬਤਾਇਆ, ਗੁਰਨਾਇਬ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨ ਥਾ, उसके 2 बेटे हैं और गुजारे के लिए जमीन भी है, लेकिन कर्ज का भार बढ़ने के कारण वह परेशानी से होकर खुदकुशी कर गया। उन्होंने मांग की है कि पीड़ित परिवार को योग मुआवजा दिया जाए। दूसरी ओर पुलिस ने धारा 174 के तहत मामला दर्ज कर अगली कार्रवाई शुरू कर दी है। हां जी, की सी पूरा मामला? गुरविंदर सिंह पुत्र गुरनाइब सिंह ने साडे कोले बयान लगाया भी मेरे बाप दे सिर ते कर्जा सीगा, तो वह करजे तो दुखी हो के मतलब उन्हें सरवास दिया गोलियां खा लिया, जिदे संबंध में असं बयान लिख 174 की कार्रवाई अमल में लिया है। तो कार्रवाई मध्य प्रदेश के पीथमपुर इंडोरामा स्थित मेडोडेक्स कंपनी परिसर में बने मंदिर में लूट की गई। चोरों ने अष्टधातु से बनी पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति चुरा ले गए। कंपनी परिसर में घुसकर घटना को अंजाम दिया गया। बीच बचाव में आए दोनों गार्ड के साथ मारपीट कर 1500 रुपए नगद और मोबाइल लेकर फरार हो गए। कंपनी मैनेजमेंट की शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग में नक्सलियों के बड़े नेटवर्क को महिला नक्सली संचालित कर रही है। हाल ही में बुरकापाल मुठभेड़ में शामिल जवानों ने भी बताया कि हमलावरों में महिलाओं की संख्या अधिक थी। अधिकांश घटनाओं में महिला नक्सलियों के नाम सामने आने के बाद पुलिस ने भी अति संवेदनशील क्षेत्रों में संदिग्ध महिलाओं पर नजर रखना प्रारंभ कर दिया है। 25 मई को दरभा जीरम घाट पर हुए कांग्रेसियों की परिवर्तन यात्रा हमले को भी नक्सली महिला लीडरों ने अंजाम दिया था। हाल ही में बुरकापाल में हमलावरों में अधिकांश महिलाएं थीं। देश में एक ओर महिलाओं को 60% आरक्षण देने की बहस चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर नक्सल प्रभावित जिलों में नक्सल संगठन भी महिला नक्सलियों को आरक्षण देते हुए उन्हें कैडर के हिसाब से पद दे रहे हैं। बस्तर में ऐसी कई महिला खूंखार लीडर हैं।
जो बेहतर ढंग से नक्सली मूवमेंट को आगे बढ़ा रही हैं। हाल ही में पुलिस ने महिला नक्सलियों कुमारी वनोजा पर 8, कुमारी सोढ़ी लिंगे पर 5 एवं माड़वर मंगली की गिरफ्तारी पर 3 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। बस्तर संभाग के सभी 7 जिले अति संवेदनशील जिले घोषित हैं और इन 7 जिले में बड़ी संख्या में महिला नक्सलियों की भर्ती की गई है जो हथियार चलाने में माहिर हैं। इन्हीं में से पूर्णतः दक्ष और मारकाट में माहिर महिला नक्सलियों को बड़े ऑपरेशन की जिम्मेदारी भी दी जाती है। संभाग में कई महिला नक्सली पुलिस के हत्थे भी चढ़ी हैं, जिनके माध्यम से हुए खुलासे में यह पता चला है कि बड़े नक्सली लीडर ज्यादातर महिला नक्सलियों को ही ऑपरेशन की कमान सौंपते हैं, क्योंकि वे बड़ी आसानी से फोर्स के कैंपों तक पहुंचकर रैकी कर सकती हैं और बेखौफ होकर बाजार व शहरों में रहकर नेटवर्क तैयार कर सकती हैं। बस्तर की जेलों में वर्तमान में लगभग 50 महिला नक्सली कैद हैं, जिन्हें 7 जिलों से पुलिस ने पकड़ा है। इनमें 4 हार्डकोर नक्सली निर्मलक्का, सोनी सोढ़ी, पद्मा एवं चंद्रिका हैं, जो नक्सलियों के बड़े मूवमेंट को ऑपरेट करती थी। फिलहाल इन महिला नक्सलियों के खिलाफ कोर्ट में मामले चल रहे हैं। नक्सलियों ने बस्तर में वर्ष 2006 से महिला नक्सलियों को दलम में शामिल करना प्रारंभ किया गया था। उसी साल नक्सलियों ने कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया था। सूत्रों की माने तो बस्तर संभाग के दरभा भेज्जी, परेशगढ़, कुटरू, छोटे डोंगर, झाराघाटी, आवापल्ली, आमाबेड़ा, ओरछा सहित आधा दर्जन इलाकों में महिलाओं को एरिया कमांडर के पद पर तैनात कर नक्सली मूवमेंट को बढ़ाने और भारी हिंसा फैलाने का काम सौंपा गया है। पुलिस भी मानती है कि इन 7 सालों में बड़ी संख्या में महिलाएं नक्सली दलम में शामिल होकर संगठन को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा रही हैं और वही इसी नजरिए से संदिग्ध महिलाओं पर पैनी निगाह गड़ाए हुए हैं। बस्तर संभाग के नक्सल प्रभावित क्षेत्र के गांव से लगातार आदिवासी महिलाएं लापता हो रही हैं। वही नक्सली हर गांव के प्रत्येक घर से एक युवती की मांग कर रहे हैं और जनयुद्ध का स्कूल चलाकर आदिवासी छात्राओं को संगठित कर युद्ध कौशल की विभिन्न विधाओं सहित माओवादी विचारधारा का भी पाठ पढ़ा रहे हैं। पुलिस द्वारा नक्सल विरोधी अभियान के तहत नक्सली कैंपों में जो किताबें बरामद हुई हैं, उनके अध्ययन से ज्ञात हुआ कि दक्षिण बस्तर के घने जंगलों में नक्सली युवतियों को क्रांति का पाठ पढ़ा रहे हैं। अंदरूनी इलाकों में नक्सलियों द्वारा चलाए जा रहे प्रशिक्षण केंद्रों में हथियार संचालन के साथ ही विद्रोह का भी प्राथमिक ज्ञान दिया जा रहा है। उक्त किताब में दंडकारण्य जनता विद्रोह का एक पाठ भी जोड़ा गया है। INI न्यूज के साथ जगदलपुर से विजय पचौरी की रिपोर्ट। राजस्थान में बिजौलिया थाना क्षेत्र के काटबड़ा गांव में शॉर्ट सर्किट से मकान में आग लग गई, जिसमें मकान के बाहर स्थित परचूनी दुकान में रखा करीब 20,000 रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। ग्रामीणों ने बड़ी मशक्कत कर 2 घंटे के बाद आग पर काबू पाया। छत्तीसगढ़ में 7 साल पहले SSCL चिरमिरी एरिया की अंजन हिल भूमिगत खदान में हुए हादसे में शहीद हुए 14 शहीदों को SSCL प्रबंधन द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। चिरमिरी महाप्रबंधक कार्यालय के सामने बने शहीद स्मारक में GM के सामल के साथ सभी अधिकारी, कर्मचारी और श्रमिक संगठन के प्रतिनिधियों ने पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर 2 मिनट का मौन भी रखा गया। 6 मई 2010 को अंजन हिल खदान में भयंकर विस्फोट और जहरीली गैस के रिसाव के कारण अंदर काम करने वाले 14 श्रमिक शहीद हो गए थे। यह खदान उत्पादन की नई खनन पद्धति के लिए जानी जाती थी, जो आज 7 साल से बंद पड़ी है। घटना के 7 साल पूरे होने पर वीर शहीदों की याद में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें शहीद स्मारक में पहुंचकर सभी ने पुष्प चक्र अर्पित किया और मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। महाप्रबंधक के सामल और श्रमिक संगठन के प्रतिनिधियों ने घटना पर गहरा दुख जताया और बंद पड़ी खदान को जल्द चालू होने की उम्मीद जताई। दिनांक 6/5/2010, यह एक चिरमिरी क्षेत्र के लिए ऐसा काला दिन था जिस दिन हमने एक बहुत बड़े खान दुर्घटना में अपने अधिकारी, श्रमिक और 14 साथियों को खोया। यह एक माइंस के अंदर बहुत बड़ा एयर ब्लास्ट था। इस एयर ब्लास्ट के चलते एक ऑपरेशन GM माननीय गोस्वामी साहब तक इस दुर्घटना के शिकार हुए। फायर हुआ था, अब तो इस बारे में जानते हैं। फायर अभी तक बुझा नहीं है, इसका प्रिकॉशनरी मेजर सब लिया जा रहा है और अभी एक हाई पावर कमिटी से इसको स्टडी किया गया है। इसको ओपन कास्ट मेथड में लेने के लिए अभी कोशिश चल रहा है। सबसे बेस्ट श्रद्धांजलि होगा
कि हम सब सेफ्टी को देखते हुए खदान में काम करें, जैसे ऐसा इंसिडेंट दोबारा अकर ना करे। अंजनी हिल में जो दुर्घटना हुई थी बहुत ही दुखद दुर्घटना था, और ये दुर्घटना हमें ये सीख देता है कि हम सुरक्षा को सर्वोपरि समझकर पहले हम सुरक्षित रहें, उसके बाद फिर हम काम करें, ताकि भविष्य में ऐसा कोई नुकसान ना हो। और मैं प्रबंधन से भी आज के इस दुखद अवसर पर अपील करना चाहूँगा कि उत्पादन ठीक है देश के लिए, लेकिन उत्पादन के चक्कर में सुरक्षा को ताक पर न रखें। राजस्थान में बिजौलिया के वार्ड क्रमांक 15 में होली के खुंट के पास पिछले एक माह से गंदगी से अटा पड़ा नाला बड़े गड्ढे में तब्दील हो चुका है। दुर्घटना के अंदेशे के साथ ही वार्ड वासी सड़ांध और मच्छरों की भरमार से परेशान है। शिकायत के बाद भी प्रशासन और ग्राम पंचायत द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा से 15 किलोमीटर दूर रंगीन खापा में लगभग 98 लाख रुपए की लागत से मनरेगा के तहत निस्तारी तालाब का निर्माण ग्रामीण यांत्रिकी विभाग की देखरेख में कराया जा रहा है, जिसमें अधिकारी और उपयंत्री सिर्फ मस्टर रोल भर रहे हैं। समाज सेवी व भाजपा नेता रविपाल ने बताया कि निर्माण स्थल के आसपास भारी मात्रा में अवैध उत्खनन किया जा रहा है। फाड़ी गिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी का भारी मात्रा में उत्खनन किया जा रहा है, जिसकी खनिज राजस्व विभाग से अनुमति नहीं है, क्योंकि इंजीनियर और अधिकारी एक सुर में शासन से अनुमति होने का दावा करते हैं। इंजीनियर अधिकारी तो मनरेगा के तालाब निर्माण में प्रयोग की गई जेसीबी मशीन और ट्रैक्टर की भी स्वीकृति का दावा भर रहे हैं। तालाब के बेसिन एरिया से जो खुदाई में जो मटेरियल निकल रहा है, उस मटेरियल का उपयोग जो है तालाब निर्माण में किया जाना है, दूर से नहीं हो सकता है, वो कार्य जो है मशीन के द्वारा किया जाना है। जैसे जो हार्ड मटेरियल का जो एक्सक्रीशन है, जो लेबर के द्वारा नहीं किया जा सकता, वो मशीन के द्वारा किए जाने के शासन के निर्देश है, उन निर्देशों के तहत जो है वहाँ पर किया जा रहा है। तो तालाब के अंदर बेसिन एरिया में खुदाई की गई होगी, अभी मैंने अभी उसको 8-10 दिन से देखा नहीं है साइट पे। नहीं, बेसिन एरिया में तो अधिक खुदाई कर रहे हैं तो वहाँ से अनुमति की आवश्यकता है। यदि बाहर के क्षेत्र से अधिक खुदाई की जाती है तो उसकी अनुमति लेना चाहिए। जो कार्य मजदूरों के द्वारा नहीं किया जा सकता, उन कार्यों में मशीन से जो है हार्ड स्टेटा की खुदाई की जा सकती है। नहीं सर, तालाब की जानकारी हम लोगों जो बंधा की जो रोक है, हाँ, रोकने के लिए कि बंधा खिसके ना, इसलिए पत्थर के पीछे नीचे से 4 फीट गहरे करके पत्थर रचते हुए लेके आ रहे हैं सर, कुएं से सर। तो ये सब काम करवा रहे सर, पिचिंग वगैरह कुछ भी? पिचिंग सर अब जो चालू है, पिचिंग का काम अभी आगे से होना बाकी है सर। काली मिट्टी तो तालाब से है, एक नीचे से यहीं पीछे तालाब, वहाँ से लेके आए, पूरी मिट्टी सामने से डल रही है, ट्रैक्टर ट्राली से ले। काली मिट्टी सर, कुछ मिट्टी तो यहाँ से भी निकली है और कुछ यहाँ खत्म होने के कारण पीछे तालाब से लाई गई। रंगीन खापा के ग्रामीणों के द्वारा मुझे और मेरे संगठन को ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि यहाँ पे जिस तालाब का निर्माण हो रहा है वो गुणवत्ता ही हो रहा है, इसमें मटेरियल के मापदंड का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है और भ्रष्टाचार हो रहा है इसमें। ये बहुत ही गलत है, प्रशासन को इस ओर अपना ध्यान आकर्षित करना चाहिए और इस तालाब निर्माण को सही तरीके से करवाना चाहिए। RES का जो विभाग है वो सही मापदंड पर रखकर इस तालाब का निर्माण नहीं करा रहा है। ये जो है मनरेगा का काम है और इसमें JCB मशीन का उपयोग किया जा रहा है। आप मुझे बताइए कि मनरेगा के काम में कहाँ पर JCB मशीन का उपयोग होता है, और इस JCB मशीन की इसमें जरूरत भी नहीं है। मनरेगा के काम में मजदूरों का उपयोग होता है जिससे उनको रोजगार भी प्राप्त होता है ग्राम में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की प्रशासन अकादमी के कार्यक्रम से लौटते वक्त बिट्टन मार्केट में पान खाने रुके थे जैकी श्रॉफ। एक फैन जैकी के साथ सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा था, उसी दौरान जैकी ने फैन को गाली दे दी। जैकी श्रॉफ नर्मदा सेवा यात्रा में शामिल होने भोपाल आए थे। I9 न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।